नीला सियार। एक जंगल में एक सियार रहता था। उसे रोज खाना नहीं मिलता था। वो भूख के मारे इधर उधर जंगल में घूमने लगा। आखिर उसने शहर जाने का फैसला किया। जब वो शहर के अंदर गया तब कुत्तों का भौंकना सुनाई दिया। उसने देखा कि कुछ कुत्ते उसके पास आ रहे थे। तुरंत वो पास वाले घर के अंदर घुस गया। वो घर एक रंगरेज का घर था। सियार एक नीले रंग भरे नांद में जा गिरा। सियार न मिलने के कारण कुत्ते वहां से चले गए। सियार अब नीला होकर नांद से बाहर आया और जंगल में चला गया। जंगल के सारे जानवर सियार को नया जंतु मानकर घबराने लगे। अब सियार को पता चला कि सभी जंतु उसे देखकर डर रहे हैं। उसने इस बात का फायदा उठाना चाहा। उसने जंगल के जानवरों को बुलाकर कहा, प्यारे दोस्तों, मुझे भगवान ने आपकी रक्षा करने के लिए भेजा है। मैं जंगल का राजा हूँ। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। रोज सभी जानवर उसकी सेवा करते थे और खाना भी देते थे। एक दिन राजा सियार अपने दरबार में बैठे थे। उसे कुछ सियारों की हूकना सुनाई पड़ी। बहुत दिनों तक उसने ऐसी आवाजें नहीं सुनी। वो बहुत खुश हो गया और अपने को राजा भूलकर वो भी हूकने लगा। तुरंत सभी जानवरों को पता चल गया कि राजा के वेश में सियार है। वे सियार को पकड़ने के लिए भागने लगे, लेकिन उससे पहले सियार वहां से भाग गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।